नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अपनी फिटनेस लेवल को इंक्रीज करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे और इस कोरोना पीरियड को पास होने के बाद में हम लोगों ने पहले की तरह ही वापस से अपने फिटनेस लेवल को और अच्छे ग्रोथ पर ले जाने के लिए वर्कआउट्स करने शुरू कर दिए। मुझे आप लोगों के साथ वापस से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद में हम बात करें तो अभी हम लोगों के पावर लिफ्टिंग जो चैम्पियनशिप्स है वो वापस से स्टार्ट हो चुके हैं और आप चाहें तो उसको आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। उससे आपका जो लेवल है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जाके और खेलें और उसके अंदर अपना काफ़ी सारी चीज़ें अचीवमेंट करें, मेडल्स लाएं, सर्टिफिकेट्स लाएं, लेकिन क्या होता है कि कॉम्पिटिशन की भावना से जुड़ने के साथ में जब भी हम किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं लोगों को कैसे लिफ्ट करते हैं, कैसा उनका फिटनेस लेवल हमारा इंक्रीज़ हुआ है, कैसा उनका हुआ है, कैसा वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस हम लोगों का बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि उनको साइड में देखते हुए हम भी उनकी तरह लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, आपके उत्तराखंड से भी आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे एथलीट्स आते हैं और वो एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। जिस एथलीट ने पहले कभी 100 किलो उठाया होता है वो अगली बार जब चैंपियनशिप में आता है तो 110 किलो भी उठाता है। तो इस तरह की जो भावना है ये कॉम्पिटिशन्स खेलने की वजह से ही आती है। एक जनरल जो फिटनेस होती है उसके अंदर हम बात करें तो वो उस लेवल तक नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जो हमारा जिम का पार्टनर होता है वो भी हमारी तरह ही होता है और वो भी हमारी तरह ही लिफ्ट करता है। हम सो उठा रहे हैं तो वो सोचता है ठीक है यार कौन प्लेट लगाएगा, एक को 2.5 किलो की, 5 किलो की, छोड़ो ना हम भी सोई उठा लेते हैं। तो वो जो भावना है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है हम लोगों का, वो धीरे 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 वहीं तक सेचुरेट होकर रह जाता है और एक प्लेटो वाले जो स्टेज हम लोग बॉडी की कहते हैं तो वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। बिकॉज हम लोगों के साथ में एक कॉम्पिटिशन तो रहता नहीं है और हम एक दूसरे को साथ में सेम का सेम वो की वही लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। खैर एनीवेज, अभी 29 दिसंबर को भी, सॉरी 29 नवंबर को भी हमारा जो पहला सिलेक्शन और ट्रायल रहेगा इस मंथ का वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में एवरी संडे हम लोगों का रहेगा, जिसका पोस्टर मैं साइड में आप लोगों को दे देता हूँ। और सबसे अच्छी बात जो आपको जानने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि WPSF जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पावर स्पोर्ट्स फेडरेशन, उन्होंने मुझे इंडिया से एक अपना रिप्रेजेंटेटिव दे रखा है और साथ में अभी उन्होंने हम लोगों के रेफरी कार्ड भी इशू कर दिए हैं। और साथ में सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरी वाइफ को भी, हम लोगों को वाइफ को भी नेपाल से जो है उन्होंने एफिलिएशन दे रखा है और उनका भी रेफरी कार्ड उन लोगों ने इशू कर दिया है। तो आप लोगों को हम लोगों के साथ में जुड़ के काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें फिटनेस लेवल के ऊपर कैसे ग्रोथ करना है, कैसे अपने बॉडी को डेवलप करना है, हमारा जो भी टारगेट है उसको हमें कैसे पूरा करना है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोग रेगुलर टच में रहिएगा, उस टच में रहने की वजह से आप लोगों को अपने फिटनेस लेवल को ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इन फ्यूचर हम लोग WPSF की तरफ से, वर्ल्ड पावर स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से, आप लोगों को इंटरनेशनल, एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो तैयारी चल रही है इसका जो पहला कॉम्पिटिशन है वो हमें फरवरी 2021 का जो डेट है उसके ऊपर हम लोगों को आने वाला है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल गेम रहेगा, एक दो कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे कि कौन कितना अच्छा लिफ्ट कर सकता है, किसका कितना अच्छा फिटनेस लेवल है। प्राइजेस भी काफ़ी सारे रहेंगे, आप वो भी जीत सकते हैं। इस बहाने से हमें एक गेट टुगेदर भी होता है और साथ में एक कॉम्पिटिशन की जो भावना है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है हम लोगों का, वो भी बढ़ता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।